हेलो गाइस, कैसे सभी? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ मैं दिल से यार। मतलब 2016 से एक छोटा सा ड्रीम था, मतलब मैंने जिंदगी में एक 1 मिलियन फैमिली अचीव करनी है, फॉलोअर्स इतने लोगों का प्यार बनाना है, परिवार बनाना है एक। तो वो परिवार आपने बना दिया है, 1 मिलियन जनता मेरे साथ जुड़ चुकी है, आप सभी मेरे साथ जुड़ चुकी हो, आपको दिल से धन्यवाद। और कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, वो तो आप कर ही रहे हो, बहुत अच्छा लगा यार। आप अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो, मैं सारे कमेंट्स रीड करता हूँ, और दिल से यार, दिल से सलूट है यार आप सबको यार। सो अभी हम जा रहे हैं फोटोशूट कराने के लिए, सो अभी निकलते हैं। मेरे साथ कौन कौन है आपको सबसे इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। चंदू भाई कैसे हो, शुभू और सतनाम भाई। हाय गाइस। सो अभी हम सभी जा रहे हैं, करवा लेते हैं कुछ फोटोशूट, वो भी आपको अभी अपलोड कर दूंगा, आज ही कर दूंगा, वो आप देखना, बहुत अच्छी होगी। और चलते हैं, जाते हैं, देखते हैं कैसी लोकेशन, क्या कुछ होगा आगे का कुछ भी नहीं पता, कैसे फोटोशूट कराने वाले हैं कैसे नहीं, अभी बस हम निकल रहे हैं यहाँ से। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे सभी? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। सो मुझे लगा था कि कल 1 मिलियन हो जाएंगे, लेकिन कल नहीं हुए थे, कल 9,96,000 के आसपास थे, तब मैंने फ़ोटोशूट करवाया था, और फ़ोटोशूट मैंने कल ही एडवांस में करवा लिया था, और अभी अपने हो चुके हैं 9,99,300-400 समथिंग है, तो 500-600 रहते हैं। सो अभी अशोक सर का फ़ोन आया था और उनसे मिल कर आते हैं, सो उनसे करते हैं बातचीत, वहाँ जाते हैं, देखते हैं, कुछ सेलिब्रेट वहाँ भी करते हैं, और बड़ा बड़ा अच्छा लग रहा है यार। टैं 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 1 मिलियन होने वाले यार, बहुत अच्छा लगा। सभी जा रहे हैं अशोक सर के पास, तो वहाँ जाकर आपको अशोक सर से भी मिलवाता हूँ, और वहाँ जाकर करते हैं बातचीत। ओके सो गाइज, हम सभी रेडी हो चुके हैं, और अभी हम जा रहे हैं अशोक सर के पास, तो वहाँ एक छोटा सा सेलिब्रेशन करते हैं। तो आप रेडी हो? यस। चलो फिर। मेरी प्रोफाइल में कभी एम लगे, 10 लाख लोगों का मेरा कभी परिवार बने, तो वो आप सबकी बदौलत है, आप सबके प्यार और सपोर्ट से आज मैं उस मुकाम तक पहुंच चुका हूँ। इसको मैं मुकाम नहीं कह सकता, ये मेरा एक परिवार है 10 लाख लोगों तक का, तो ये एक मेरा गोल था, टारगेट था कि यहाँ तक मैंने पहुँचना है। तो कुछ समय की बात है, फिर अपनी प्रोफाइल में भी 1 मिलियन लग जाएंगे, 1 M लगेगा, बहुत खुशी हो रही है दिल से यार। मेरे पास कोई वर्ड नहीं है यार बोलने के लिए, शुक्रिया करने के लिए। सो आपको एक बार दिल से सलूट है यार, #innocentfamily।
आप ऐसे प्यार और सपोर्ट करते रहो, अपने बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोस लाते रहेंगे। ओके लव यू यार। एक बात बताना, आपने ये अकाउंट कब चालू किया था? ये अकाउंट मैंने किया था आई थिंक ये भी 2021 या 22 के अंदर किया था। इससे पहले वैसे वीडियोस तो मैं बना रहा हूँ लगभग 2016 से बना रहा हूँ, तो मैंने काफ़ी सारे अकाउंट चेंज किए, क्योंकि यार बंदे को ज़िंदगी में चेंज करते रहना चाहिए। अगर अपने किस चीज़ में नहीं हो रहा कुछ तो कुछ हटके देखो, कुछ बदलाव अक्सर ज़िंदगी बदल देती है ना। तो वही मैंने डिसीजन लिया कि एक और कोशिश करते हैं, एक अकाउंट और बनाते हैं अच्छा सा। तो इसको मैंने नाम दिया इनोसेंट रोहित। अब आपके माइंड में होगा इनोसेंट रोहित क्यों? क्योंकि यार मैं मतलब बचपन से ही ऐसा था कि घर पे आस पड़ोस सब मुझे बोलते थे यार तू इतना मासूम है, मैंने इतना तू भुला है, तुझसे ज़िंदगी में कुछ नहीं होने वाला, लोग तुझे बेचते खा जाएंगे, ऐसे ऐसे कुछ ताने देते थे मुझे। तो वही हुआ, उसी टाइप से मैंने कहा इसी इनोसेंट रोहित को एक बार एक दिन ब्रांड बना देना। अभी ब्रांड तो नहीं बने, सिर्फ 10 लाख लोगों का परिवार बना है, लेकिन ये परिवार मेरे लिए एक ब्रांड है। कैसा फील हो रहा है? मेरे पास कोई वर्ड नहीं है यार, सच में यार, मतलब दिल ऐसे धक धक कर रहा है और जल्दी से जल्दी 1M लग रही है यार, बहुत टाइम से सपना है मेरे ये M का। हाँ कह सकते हो बहुत बड़ा ड्रीम था, मैंने वीडियो बनाना शुरू किया था ना, सॉरी उस टाइम से ही मेरा एक ड्रीम था। क्या डीमोटिवेट तो काफ़ी बार हुआ था, लेकिन एक था मेरी उम्मीद थी कि यार मैं इस काम में एक दिन जरूर सक्सेस हो जाऊंगा यार। आई मीन एक मन में था मेरे कि यार एक दिन तो अपना आएगा यार, आज वक्त बुरा है तो क्या हुआ, एक दिन अपना वक्त आएगा। तो मैं उसके लिए एकदम प्रिपेयर था कि यार अपने मेहनत नहीं छोड़ते, ठीक है यार लोग बुरा कहे अच्छा कहे वो उनका नज़रिया उनकी सोच, कल को फेल हुए सक्सेस हुए तो वो अपने घर रोटी नहीं देने आएंगे, तो जो कुछ करना है अपने को ही करना है। तो वही था कि चलता रहा चलता रहा चलता रहा, किसी की नहीं सुनी, बस वीडियो बनाता रहा और आज अच्छा परिवार बन चुका है अपना। भोलेनाथ जी ने बहुत साथ दिया मेरा, वाह इनके लिए दिल से गाना सा गा रहा है छोटा से गाने की लाइन याद आ रही है, मेरी बेरंग दुनिया में मेरे साथ तेरा होना। रागती चीनी उसमें फोकस मत करो, बस ये लाइन अच्छी है, मेरी बेरंग दुनिया में मेरे साथ तेरा होना, ऐसा सब कुछ है। हो जाए यार, कितना इंतजार करवाएगा यार, हो जाओ यार। कितने रह गए? दे 161। सो अशोक सर भी पहुंच चुके हैं हमारे बीच और बहुत अच्छा लग रहा है, सर ने भी काफ़ी सहारा दिया मुझे और डीमोटिवेट मोड पर मोटिवेट करते रहे, बहुत अच्छा लगा। और जल्दी ही अपने होने वाले हैं 1 मिलियन, इतनी खुशी हो रही है मुझे, इतनी खुशी मेरे पास वर्ड नहीं है यार। तो अब अशोक सर आ चुके हैं, आप भी कुछ बोलिए सर। मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलना चाहूँगा, बस एक बात कहना चाहूँगा कि रोहित को मैंने बहुत पहले दिन से देखा है, जो एनर्जी इसमें देखी है, जो एक अलग करने का कुछ अलग करने का जो जुनून देखा है, वो जुनून जो है ना वही जुनून आज इसे यहाँ तक लेकर के आया है। और आज सुबह से मैं थोड़ा सा बिजी शेड्यूल में था, फिर भी रोहित ने जब कॉल करके कहा तो मुझे जो खुशी हुई, जो रोहित कह रहा है ना मुझे खुशी हुई, खुशी मुझे बहुत हुई। क्योंकि एक बात याद रखना, आपकी ज़िंदगी में आपकी कामयाबी से सबसे पहले जो खुश होने वाले लोग, जो दिल से खुश होने वाले लोग, उनमें आपके माँ बाप और गुरु हैं, वो सबसे ज़्यादा खुश होते हैं आपकी कामयाबी में। क्योंकि आपकी कामयाबी में उन दोनों की जीत होती है। आप जब कामयाब होंगे तो सबसे पहले आपके माँ बाप जीतते हैं, उसके बाद आपके टीचर जीतते हैं, फिर आप जीतते हो। तो रोहित बाद में जीतेगा, पहले मैं जीत जाता हूँ। तो खुश रहो, बहुत अच्छा लगा। एक दिन वो आएगा जब ये 1 मिलियन भी बहुत छोटी चीज़ लगेगी, 10 मिलियन भी होंगे, बहुत कुछ अचीव करेगा रोहित, अभी तो ये शुरुआत है। तो ऑल द बेस्ट रोहित, बहुत बहुत शुभकामनाएं। 870 हो गए, अब बस कुछ 120-130 के आसपास रहते हैं। और आप भी आ जाओ कैमरे में, ये हमारे कैमरामैन हैं जो वीडियो शूट करते हैं, हमारी यूट्यूब के ब्लॉग वगैरह में काफ़ी हेल्प करते हैं, और एक मेरा सेकंड अकाउंट है उस पर ज़्यादातर ये शूट करते हैं। तो अभी उन्होंने फ़ोन पकड़ रखा है, आप आ जाओ आगे आ जाओ। आपका ना स्मार्टफोन, ये अपना छोटा भाई
ये अपना छोटा भाई, ये भी बहुत अच्छी वीडियो बनाता है, आप भी इसकी वीडियो देखना। तो दिल से थैंक यू, आपको भी बोलना चाहता हूँ, आपने बहुत साथ दिया कैमरा पकड़ा, क्योंकि बंदे क्रिएटर से ज़्यादा कैमरामैन ज़्यादा मेहनत करता है, वो उसका शूट करता है जो कुछ, तो उसमें बड़ी मेहनत लगती है। काफ़ी बार मैंने इसको गिरते देखा है, फोन ही हिलने दिया इसने, खुद गिर जाते हैं फोन ही हिलने दिया। आई मीन क्रिएटर बंदे से ज़्यादा कैमरामैन मेहनत करता है। तो दिल से थैंक यू भाई, आपने कैमरा पकड़ा, और ज़्यादातर कैमरामैन कैमरे के पीछे रहता है, कभी सामने नहीं आ पाता, तो आज भाई भी सामने आ गए। दिल से लव यू ब्रदर, और आपको एक शख्स से और मिलाना चाहता हूँ। ये है अपना छोटा भाई चंदन। तो इन्होंने मुझे काफ़ी मोमेंट पर याद करवाते रहे, मतलब मैंने एक बार इनको बोल दिया ना, चंदन मुझे कल वीडियो शूट करनी है, कल प्रमोशन शूट करना है, कुछ भी करना है, तो वो मेरी नहीं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, इसकी जिम्मेदारी होती थी, इसको याद करना है सब। तो इसने भी मुझे काफ़ी सहारा दिया, और दिल से थैंक यू आप सबको भी। और आज उस नाम एक शख्स से आपको और मिलाता हूँ। तो ये है नाम भाई, और इनके सहारे से, इनके प्यार और सपोर्ट से, इनके साथ से अभी अपने कुछ एक नए अंदाज में और दिखने वाले हैं आपको वन मिलियन पे। आई मीन ये एक सिंगर है, तो ये भी सिंगिंग करते हैं, गिटार वगैरह बहुत अच्छे से प्ले करते हैं, तो इनके साथ अभी हम जुड़ चुके हैं हम, और गिटार वगैरह हम भी सीख रहे हैं इनके साथ, तो बहुत अच्छी गिटार प्ले करते हैं, और आपको एक नए अंदाज में मिलेंगे आपको वन मिलियन के बाद। ओके, एक चीज और मैं ऐड कर देता हूँ। जरूर सर, एक चीज मैं ऐड करता हूँ, सबका इंट्रोडक्शन करवाया है इसने, एक चीज का और मैं इंट्रोडक्शन करवाना चाहूंगा। जहाँ पे हम अभी खड़े हैं वहाँ का इंट्रोडक्शन हालांकि बहुत बार करवा चुका है, ये दिंगड़ा क्लासेस का नाम बहुत बार ले चुका है, वहीं से पढ़े हैं। शुरुआत अक्सर मैंने एक चीज देखी है कि जैसे कहते हैं, एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा, आपने सुना भी होगा कि हम भगवान को क्यों पूछते हैं, भगवान जब दिल में है, हर जगह है, तो फिर मंदिर जाने की क्या जरूरत है। लेकिन इसके लिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ, एक बहुत अच्छे संत है जिन्होंने एक बात कही थी कि हवा तो हर जगह है, फिर साइकिल में हवा बनाने के लिए पंचर की दुकान पे क्यों जाना पड़ता है, हवा तो हर जगह है फिर क्यों जाते हैं। सेम वही बात मैं ये कहूँगा, भगवान हर जगह है, लेकिन उसे जानने के लिए, पहचानने के लिए, मानने के लिए, एक श्रद्धा से, मन से, दिल से, एक सुकून के लिए हम मंदिर जाते हैं। सेम वैसे ही एक माँ सरस्वती का मंदिर ये धींगड़ा क्लासेस है, जहाँ पर जो रोहित आए तभी मुझसे मुलाकात हो पाई, या ये जो सफर है वो शुरू तो बहुत पहले हो चुका था, लेकिन इस मंदिर में आने के बाद इसमें जो चार चांद लगे, तो मैं एक बार ये कहना चाहूंगा कि रोहित मतलब दिल से एक बार धींगड़ा क्लासेस को दिल से थैंक यू बोले, इस मंदिर को, इस प्रांगण को प्रणाम करे, कि आशीर्वाद जो धींगड़ा क्लासेस का बना है वो हमेशा रोहित पर बना रहे, और रोहित जिंदगी में ऐसे ही तरक्की करता रहे। मुझे बहुत खुशी होती है कि इस प्रांगण से, इस जगह से निकल करके और रोहित ने ये मुकाम हासिल किया है, और आगे भी ऐसे ही करता रहे। ऑल द बेस्ट रोहित, थैंक यू सो मच सर। तो दिल से इस प्रांगण को, इस पवित्र स्थान को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं 2016 में वीडियो बनाना शुरू किया था, और एक अपना एरिया था, मैं अनूपगढ़ से हूँ, आप सब अगर जानते हो तो, और यहाँ से लगभग 50-60 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ पे उस टाइम में मैं वीडियो शूट कर रहा था 2016 से, लेकिन मेहनत करता रहा, काफ़ी कंटेंट भी मैंने चेंज किए, फिर वहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान पर यहाँ पर आया मैं, तो यहाँ पर आने के बाद मैंने वीडियो शुरू की, तो यहाँ पर काफ़ी लोगों का प्यार भी मिला। तो क्या होता है कि एक्चुअल में एक स्पॉट होती है ना, स्पॉट बहुत आगे तक ले जाती है, और आपको नए नए लोगों से मिलना चाहिए, नए नए लोगों से मिलोगे ना तो आपको एक्सपीरियंस होगा काफ़ी चीज़ों का, दुनियादारी का पता चलेगा। वहाँ पे मैं अपने शहर में अकेला था, ठीक है, वहाँ पे मुझे किसी का साथ नहीं था, मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, अगर जो कुछ सुन रहे हैं तो बेशक सुन सकते हैं। सोच पता चली कि लोग क्या सोचते हैं, उनको कौन सी चीज़ पसंद है, कौन सी वीडियो पसंद है, उसके अकॉर्डिंग मैं एक ऐसा कॉन्टेंट लेकर आया जो कि बहुत अभी तो बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, और वो सब आप ही की बदौलत है, आप ही की वजह से हो पाए, तो आपको एरिया भी चेंज करते रहना चाहिए, ठीक है। तो दिल से धन्यवाद इस धींगड़ा क्लासेस का भी, जहाँ आकर मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की, और साथ साथ में अपने वीडियो बनाना भी शुरू किया, दिन में स्टडी करते थे और नाइट को वीडियो शूट करते थे, इस वजह से मेरा नाइट का कंटेंट है। काफ़ी लोग कमेंट्स में पूछते थे, भैया आप नाइट को ही वीडियो क्यों शूट करते हो, तो एक ये रीज़न था, वहीं से शुरुआत हुई, और दिल से धन्यवाद। वाओ, बीच में नाइन आते फिर
मैं जाके आ जाऊँ एक बार, आप एक बार संभाल। सत्तर भैया स्टोरी वगैरह लगा सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं? जरूर जरूर लगा। हाँ हाँ करो तो। 9,99,993। वाव लवी वाले केक तैयार है। 94 यही टीम चलती है बता ये रवाइन में कसम से। ये लाइव लाइव तीन दिनों से लाइव लाइव नहीं कटा देंगे ये। 95 एक साथ करेंगे, एक साथ ही करेंगे। ये मेरे दोस्त, मेरे दोस्त जलसनी का थी। हो जाओ यार, ओ यार करो यार, आपको फॉलोअर्स बढ़ाने को कहा है, कम करने को नहीं बोला। अबे यार साथ वाह 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 लो केक कट करो। टैं 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 अरे एक रह गई। इधर लाओ कैमरा, जनता से बातचीत करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच गाइस, आपने इतना प्यार और सपोर्ट दिया, दिल से शुक्रिया यार आपको। आपको शुक्रिया करने के लिए मेरे पास कोई वर्ड ही नहीं बचा यार, मैं बयान नहीं कर पा कर सकता आपको, मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ यार, मतलब कितना अच्छा फील हो रहा है मुझे। दिल से धन्यवाद, ऐसे अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। वाह मतलब ये 1M देखने के लिए मुझे कितने साल लग गए थे यार, बहुत अच्छा लग रहा है यार। 1M दिल से धन्यवाद, ऐसे अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना, और मैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो बनाता रहूँगा। मैं ज़्यादा ज़ोर से बोल नहीं सकता बिकॉज यहाँ पे पास में लाइब्रेरी है, मैं नहीं चाहता मेरे जैसे कोई बच्चे डिस्टर्ब हो, क्योंकि मैं क्लासेस में हूँ ना, तो वहाँ पे ये सब कुछ देखा। तो दिल से धन्यवाद, ओके लव यू ऑल, आई होप आप मेरी फीलिंग्स को समझ सकते हो। दिल से धन्यवाद। Thank you.